होटल राजमहल एपिसोड 57 दर्दनाक अंत। उन चार लड़कियों की आत्माओं को देखकर वहां खड़े सब लोगों की हालत काफी खराब हो जाती है। पूरे होटल राजमहल में तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से सबको अपने आसपास एक ठंडक महसूस हो रही है। इसके बावजूद भी सब लोग इतना डरे हुए हैं कि वो पसीने से तरबतर हो चुके हैं। दरवाजे और खिड़कियों के खुलने बंद होने की धाड़ धाड़ आवाजों की वजह से उन लोगों की सांसें फूलने लगती हैं, जो हर बीतते हुए पल के साथ तेज होती जा रही है। दिव्या काफी ज्यादा डर गई है, इसलिए उसने कसकर विशाल का हाथ पकड़ लिया और विशाल ने भी तुरंत अपना एक हाथ दिव्या के कंधे पर रख दिया और वो दिव्या को संभालने की कोशिश करने लगा। उनमें से कोई नहीं जानता है कि अब आगे क्या हैवानियत होने वाली है, लेकिन मल्लिका का गुस्सा और भयानक रूप देखकर वो लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि संजीव को काफी दर्दनाक सजा मिलेगी। संजीव अपने आसपास के माहौल से पूरी तरह से अनजान है। उसके सामने अभी सिर्फ चारों आत्माएं घूम रही हैं। वो उन्हें धीमी रफ्तार से अपनी तरफ आते हुए देखता है और तुरंत डर कर रोने लगता है। नहीं, मेरे पास बताओ, मुझे छोड़ दो। विशाल, अमन, तुम तो मेरे दोस्त हो, कम से कम तुम तो मेरी मदद करो। लेकिन जब वो देखता है कि कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा, तो संजीव खुद हिम्मत करके खड़ा होता है। लेकिन ड्रग्स का नशा होने की वजह से वो ठीक से उन आत्माओं की तरफ देख भी नहीं पा रहा है। उनमें से एक लड़की की आत्मा, जिसके शरीर की पूरी चमड़ी पिघल रही है, जैसे किसी ने उस पर एसिड फेंका हो, और उसके सर पर कोई बाल नहीं है। शरीर पर चमड़ी ना होने की वजह से कोई भी उसकी हड्डियां और उसके शरीर के ऑर्गन्स को साफ साफ देख सकता है। उसे देखकर दिव्या और विशाल काफी ज्यादा डर गए और दिव्या ने कसकर विशाल का हाथ पकड़ लिया। उसके बाद जब दूसरी आत्मा उतर के नीचे आई, तो सब लोगों ने देखा कि उसके पूरे शरीर को जगह जगह से कीड़े मकोड़े नोच रहे हैं। उसके शरीर पर इतने कीड़े हैं कि कोई उसका चेहरा भी ठीक से नहीं देख पा रहा है। उसके पूरे बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल पड़ चुकी हैं। वो चीखती चिल्लाती हुई नीचे की ओर आ रही है। तीसरी आत्मा का पूरा शरीर बुरी तरह से जला हुआ है और उस शरीर से गंदी बदबू आ रही है। जलने की वजह से जगह जगह उसके बॉडी से खून निकल रहा है और उसके मांस के लोथड़े शरीर से लटक रहे हैं और नीचे जमीन पर गिरते जा रहे हैं। उस आत्मा के वहां पर आते ही बदबू की वजह से सब लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन मल्लिका को ये सब देखकर काफी मजा आ रहा है और वो खुशी से मुस्कुरा रही है। मुस्कुराते हुए भी उसका चेहरा काफी डरावना लग रहा है। जब चौथी आत्मा उतर कर नीचे आई, तो उसे देखकर दिव्या जोर से चिल्ला उठी और उसने विशाल को कसकर पकड़ लिया। उस आत्मा के शरीर पर गहरे गहरे जख्म हैं, जिनसे खून रिस रहा है। उसके चेहरे पर दो आंखें होने की जगह दो गड्ढे हैं, जिनकी वजह से वो काफी ज्यादा भयानक नजर आ रही है। उसके शरीर पर खून इतना है कि कोई भी उसके शरीर को ठीक से देख नहीं पा रहा है। वो जैसे जैसे चलती आ रही है, खून की बूंदें टपक टपक कर जमीन को लाल रंग में रंगती जा रही है। वो चारों एक साथ चलते हुए संजीव की तरफ बढ़ने लगी। अचानक से पूरे होटल में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। होटल के बाहर से एक साथ कई कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगी और देखते ही देखते पूरे होटल में शरीर को ठंड से चीर देने वाली हवाएं चलने लगी। वहां पर खड़े सब लोग ये सब देखकर डर से कांपने लगे, मगर सिर्फ एक मल्लिका है जिसकी हंसी अब भी बंद नहीं हो रही है। संजीव डरते डरते लड़खड़ाते हुए कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है।
नशे की हालत में होने की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा और बार बार नीचे जमीन पर गिर जाता है। संजीव अभी दरवाजे की तरफ आगे बढ़ ही रहा है कि तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उससे कुछ कहा। संजीव, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है। और उसे अचानक से अपने कान में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। संजीव ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, मगर उसे वहां पर कोई नजर नहीं आया। वो एक बार फिर हिम्मत जुटाकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, मगर इस बार फिर उसे वो आवाजें सुनाई देने लगी। इस बार ऐसा लग रहा है जैसे कई सारे लोग सिर्फ उसी का नाम ले रहे हों और पूरे होटल में तेज चलती हवाओं के बीच उसका नाम गूंज रहा हो। बस करो, अब ये सब बस करो। संजीव ने रोते हुए अपने कानों पर हाथ रख लिए, मगर वो आवाजें अब भी बंद नहीं हो रही। उसने पीछे मुड़कर देखा कि वो चारों आत्माएं उसके बेहद नजदीक आ गई हैं। उन्हें देखकर घबराहट से उसकी बंद हो रही आंखें काफी बड़ी हो गई और उसे ऐसा लगा जैसे एक झटके से उसका सारा नशा उतरने लगा हो। ये सब कौन है? नहीं, मेरे पास बताओ, भाग जाओ यहां से, बचाओ बचाओ। संजीव उन आत्माओं को देखकर काफी ज्यादा डर गया है। वो अभी के अभी वहां से भाग जाना चाहता है, लेकिन अब वो ये बात अच्छी तरह से समझ चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज की रात वो इस होटल राजमहल से जिंदा बचकर नहीं निकल पाएगा। वो किसी तरह हिम्मत करके एक बार फिर दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू करता है, लेकिन नशे की वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वहां पर एक नहीं बल्कि कई सारे दरवाजे हों। संजीव उन आत्माओं से आ रही बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और अपने एक हाथ को अपने मुंह पर रखे हुए दूसरे हाथ को बदहवासी की हालत में हवा में ही हिला रहा है, जैसे वो कोई दरवाजा पीटने की कोशिश कर रहा हो। अरे क्या हुआ संजीव, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे ये लड़कियां तुम्हारे एंजॉयमेंट के लिए ही है। तुमने ही कहा था ना कि लड़कियां परेशानी भरी जिंदगी से आराम देने के लिए होती है, तो ये तुम्हें आराम देने के लिए ही तो आई हैं। हाँ, मैं मानती हूं कि ये तुम्हारे टेस्ट से थोड़ा अलग है और ये इतनी सुंदर भी नहीं है, मगर ये अपना काम अच्छे से करेंगी और तुम्हें बहुत मजा आएगा। ये कहते हुए मल्लिका की हंसी पूरे होटल में गूंज उठी। उसे ऐसा लग रहा है जैसे सदियों के बाद उसे इस तरह की खुशी नसीब हुई हो। संजीव काफी ज्यादा डरा हुआ है और इस घबराई हुई हालत में वो काफी मुश्किल से अपना हाथ उठाता है और एक बार फिर दरवाजा पीटने की कोशिश करने लगता है। अरे कोई तो होगा, कोई तो बचाओ मुझे इन हैवानों से। वो इस वक्त खुद को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा है और इसी वजह से वो जोर जोर से रोने लगता है। वहां पर खड़े विशाल, दिव्या और अमन उसकी ये हालत देख रहे हैं, लेकिन अब कोई भी संजीव के लिए कुछ नहीं कर सकता। रोते रोते संजीव वहीं जमीन पर गिर जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। वो चारों आत्माएं उसके बेहद नजदीक खड़ी है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रही हैं। उन चारों को अपने इतने करीब देखकर संजीव जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगता है। अब उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा है, मगर उन लड़कियों पर उसके रोने या चिल्लाने का कोई असर नहीं पड़ रहा। उन्होंने उसकी दोनों टांगों से उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए होटल राजमहल के झूमर के ठीक नीचे ले आई। उन चारों ने मिलकर एक झटके में संजीव के कपड़ों को उसके शरीर से अलग कर दिया। संजीव के बदन पर अब कोई कपड़ा नहीं है और वो निढाल हालत में होटल के बीचों बीच पड़ा हुआ है। उसकी यह हालत देखकर दिव्या ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, वहीं दूसरी तरफ अमन के रोंगटे खड़े हो गए
वो अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ होते हुए देख रहा है और ये सब कुछ इतना ज्यादा भयानक है कि उसका पूरा शरीर डर से थर थर कांप रहा है। अब तुम भी वही सब सहो जो तुमने उस लड़की के साथ किया था। आज तुम्हें पता चलेगा कि असली दर्द क्या होता है। ये कहते हुए मल्लिका का चेहरा इस कदर डरावना लग रहा है कि कोई भी मामूली इंसान उसके चेहरे को देख भी ना पाए। जैसे ही मल्लिका ने अपनी बात पूरी की, उन चारों लड़कियों की आत्माएं जंगली जानवरों की तरह संजीव के ऊपर टूट पड़ी। संजीव को उनसे कहना रही है, मगर वो इस वक्त हिलने तक की हालत में नहीं है। वो बस एक जगह पर पड़े हुए चीख रहा है और रो रहा है। उनमें से एक लड़की संजीव के बेहद नजदीक आ गई और उसका रिसता हुआ खून संजीव के होठों पर गिरने लगा। वो संजीव के बेहद करीब जाकर उसे चूमने लगी, लेकिन जब उस आत्मा ने संजीव का घबराया हुआ चेहरा देखा तो वो अचानक से काफी गुस्सा हो गई और उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और कसकर संजीव के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ की गूंज पूरे होटल में फैल गई और उसकी ये हालत देखकर मल्लिका ठहाका लगाकर हंसने लगी। कुछ ही देर में पूरा होटल उसकी हंसी में शामिल हो गया और होटल के हर कोने से जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। मानो ये सारा होटल आज संजीव को इस हालत में देखकर सुकून महसूस कर रहा हो। संजीव को अभी सांस तक लेने का मौका नहीं मिला है कि तभी एक और आत्मा घुटनों के बल उसके शरीर पर चलती हुई उसके सीने तक पहुंच गई। उससे इतनी बदबू आ रही है कि संजीव ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा। उसे लग रहा है जैसे किसी ने कसकर उसकी गर्दन पकड़ ली हो और उसका दम घुटने लगा, लेकिन वो आत्मा बुरी तरह से जगह जगह से उसके शरीर को रौंद रही है। बचाओ, छोड़ दो मुझे। संजीव ने काफी मुश्किल से कहने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तीसरी आत्मा ने जमीन पर पड़ी हुई उसकी ही बेल्ट उठा ली और उस बेल्ट से संजीव को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। दर्द से संजीव छटपटाने लगा और जोर से चिल्लाया, छोड़ दो मुझे, मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो आत्मा अब भी संजीव को बुरी तरह से पीट रही है। वो हर तरफ से उन घिनौनी और भयानक आत्माओं से घिरा हुआ है जो उसे दर्द देने के अलग अलग तरीके अपना रही हैं। संजीव के पूरे शरीर पर अलग अलग जगह जख्म हो चुके हैं जिनसे खून बह रहा है और मांस के टुकड़े उसके जिस्म से निकलकर बाहर आ गए हैं। कुछ जगहों पर तो उन आत्माओं के दिए जख्म इस कदर गहरे हैं कि वहां से उसकी हड्डियां भी नजर आने लगी हैं। संजीव को ऐसा लग रहा है जैसे इस दर्द से ही उसकी जान चली जाएगी। तभी एक और आत्मा जिसके पूरे शरीर से खून बह रहा है वो एकदम से उछलकर संजीव के सीने पर बैठ गई। उसने अपने लंबे गंदे नाखूनों वाले हाथ संजीव के चेहरे पर घुमाने शुरू कर दिए। वो जगह जगह से उसके चेहरे को नोचने खरोचने लगी और संजीव दर्द से तड़प उठा। मत करो प्लीज, मुझे छोड़ दो। वो आगे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उस लड़की ने अपने लंबे नाखून धीरे धीरे से संजीव के सीने में धंसा दिए और एक झटके में उसका दिल उसके सीने से बाहर निकाल लिया। इस दर्दनाक मंजर को देखकर दिव्या दर्द से चीख उठी और तुरंत विशाल के गले लग गई। विशाल और अमन भी इस नजारे को अपनी आंखों से देख नहीं पाए और उन्होंने भी अपने चेहरे दूसरी तरफ घुमा लिए। उस लड़की के हाथों में संजीव का दिल अब भी धड़क रहा है, लेकिन संजीव के शरीर में से उसकी जान जा चुकी है। उसकी दोनों आंखें काफी बुरी तरह से खुली हुई हैं, जैसे वो अभी बाहर आ जाएंगी, और उसके मुंह और सीने से खून बहने लगा। उस लड़की ने तुरंत अपने दोनों हाथों से उसके दिल को पकड़ा और उसे खाने लगी। एक दूसरी आत्मा सीधा संजीव के चेहरे के पास पहुंच गई और उसने अपनी उंगलियों से नोचकर
संजीव की आंखें बाहर निकाल ली और काफी शौक से उन्हें खाने लगी। तीसरी आत्मा ने उसके पेट में हाथ घुसाकर उसकी आंतें बाहर निकाल ली और अपने मुंह को उसके पेट में घुसाकर उसके मांस को नोच नोच कर खाने लगी। वो चारों आत्माएं संजीव के शरीर को चबा चबा कर खा रही हैं और ये सब देखकर मल्लिका के दिल को काफी सुकून मिल रहा है। पूरे होटल में खून ही खून फैला हुआ है और वहां का नजारा कुछ इस तरह का है कि उसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। संजीव के मरते ही पूरे होटल में सन्नाटा पसर गया। जो हवाएं अभी तेज चल रही थी वो शांत हो गई, जैसे एक बहुत बड़ा तूफान होटल राजमहल को छूकर निकल गया हो। मल्लिका के चेहरे पर अजीब सा सुकून दिखाई देने लगा, जिसे आज से पहले विशाल ने उसके चेहरे पर कभी नहीं देखा। संजीव के मर जाने के बाद वो लड़कियां एक एक करके उसे वहीं पर छोड़ देती है और देखते ही देखते होटल की दीवारों में समा जाती है। अमन अपने दोस्त संजीव की हालत देखकर काफी ज्यादा घबराया हुआ है, मगर दूसरी तरफ विशाल जानता है कि ये सब संजीव के अपने किए कर्मों का ही नतीजा है। मल्लिका ने एक स्माइल के साथ विशाल की तरफ देखा और कहा, विशाल तुम जानते हो ना कि तुम्हें इसकी लाश के साथ क्या करना है। और इतना कहते ही मल्लिका की नजर अमन पर पड़ती है और अमन के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ जाती है। मल्लिका को अपनी तरफ आते हुए देखकर अमन की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो डर के कारण कांपने लगता है। अगले ही पल अमन घुटनों के बल बैठ जाता है और मल्लिका के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे तो याद भी नहीं कि मुझसे क्या गलती हुई है, लेकिन फिर भी मेरे गुनाहों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मल्लिका गुस्से से अमन की ओर घूर कर देखती है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं अमन, जिसके लिए कितनी भी माफी क्यों ना मांग लो, उसको माफ नहीं किया जा सकता। ये सुनते ही अमन की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाता है कि शायद अब उसे कोई नहीं बचा सकता। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या संजीव की तरह ही अमन का भी अंत इतना ही दर्दनाक होगा? आखिर मल्लिका के साथ इस सब का क्या लेना देना है?